समाज के लिए हानिकारक शराब को बनाकर बेचने वाले अवैध धंधे की लत ऐसी लगी है कि लगातार हो रही प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। तभी तो रेड़मा छेचानी निवासी चरकू भुइया को 3 माह के अंतराल पर दूसरी बार फिर शराब बनाते हुए पकड़ा गया। दरअसल पलामू पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रेड़मा पंचायत के छिचाई टोला में चरकू भुइया और गोपाल भुइया के घर छापेमारी की तो करीब 100 क्विंटल से भी ज्यादा जहवा महुआ बरामद हुआ है। पुलिस ने चरकू भुइया को गिरफ्तार कर लिया जबकि गोपाल भुइया घर से फरार मिला। जानकारी के मुताबिक 3 माह पहले भी शहर थाना प्रभारी तरुण कुमार के नेतृत्व में चरकू भुइया के घर छापेमारी कर भट्टी को ध्वस्त किया गया था जिस दौरान वो फरार पाया गया था। आज सुबह हम लोग को करीब 10:30 बजे की जानकारी मिली कि छेछानी टोला में भारी मात्रा में अवैध महुआ का शराब का चुलाई किया जा रहा है। पूर्व में भी यहाँ पर छापामारी करके यहाँ पर चालान दर्ज किया गया था चरकू भुइया के विरुद्ध। उस समय पर गिरफ्तार नहीं हो पाए थे, फरार चल रहे थे। आज ये सूचना पर हम लोगों ने तुरंत एक टीम का गठन किया जिसमें दोनों टीओपी 2 और टीओपी 4 के प्रभारी और टाइगर मोबाइल के जवान को लेकर हम लोगों ने छापामारी किया और यहाँ लगभग अभी फुलाया हुआ लगभग 1000 किलो जावा महुआ को बरामद हुआ है और शराब करीब 10 लीटर करीब शराब बरामद हुआ है। शराब बनाने का उपकरण जो चुलाई करने वाला है वो बरामद। इसके पहले भी इनके विरुद्ध छापामारी हुआ था यहाँ छेछानी टोला में तो चरकू भुइया पर कांड दर्ज किया गया था। आज ये गिरफ्तार हुए हैं रंगे हाथ और इनके साथ गोपाल भुइया के घर में भी एक भट्टी पाया गया है, वहाँ भी शराब का ये मिला है। दोनों के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया।